करते हैं इस जर्नी को बैंकॉक से, और आज हम बैंकॉक की सबसे फेमस जगह पे जाएंगे। तो अभी ये हमारे पास मैप दे दिया है उन भैया ने एक्चुअली, ताकि हमें पता रहे कि हम कहाँ जा रहे हो। और यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी बड़ा है थाईलैंड, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या लोकेशन है। सो फिलहाल हम जा रहे हैं गोइंग टू रॉयल पैलेस एंड देन वाट फू। वाट फू एंड वाट अरुण। वाट अरुण 800 बार ओके मैम। 800 बार इट्स नॉट टू मच। एंड यू वांट हाउ मच आर यू थिंक वी शुड पे? 600 700। बैंकॉक में ट्रांसपोर्टेशन के वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप पहली बार जा रहे हैं बैंकॉक तो आप ग्रैब ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी तरह कैब हायर कर सकते हैं। ये जो कैब मैंने हायर किया था, ये एक्चुअली आप अगर चाहो तो डिफरेंट डेज, जितने भी आप डेज स्टे करना चाहते हो आप उतने डेज के लिए इनको हायर कर सकते हो। दे विल ऑल्सो एक्ट एज योर ट्रैवल गाइड। सो यहाँ पे ना जो टैक्सीज वगैरह आप जो लेते हो वो जनरली आपको मीटर के बेसिस पे होता है। तो मैंने ये जो हमारे करंट टैक्सी ड्राइवर हैं इनसे हम लोगों ने बात की है आज का पूरे दिन का हमारा जो भी टूर होगा। एंड अगर आप मीटर वाइज भी टैक्सी ले सकते हो, और ये भी एक ऑप्शन है अपार्ट फ्रॉम द टुक टुक या फिर ट्रेन या बस। इंडिया इज अ गुड प्लेस एंड चीप आल्सो, लेस प्राइस। यस, वी टेक यू विद अस। वी स्टे इन न्यू दिल्ली। दिल्ली Delhi city, huh? Yes, Delhi city. Yes. Very big, man. Very big. Ha, very big city. Oh. She is a YouTuber. She makes video on YouTube. Okay. See, Mahima. वैसे तो बैंकॉक में 400 से ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं हम सिर्फ उनको ही देखने वाले हैं इस वीडियो में। ये थाईलैंड के किंग हैं, उनकी फोटो है। ये ही लोग ग्रैंड पैलेस में रहते हैं। कितने चौड़े रोड्स हैं यहाँ पे, कितना क्लीन है ये पूरा एरिया। वैसे एक और बात आपको बता दूं कि थाईलैंड अपने आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और बैंकॉक के हर बिल्डिंग या फिर टेम्पल्स में आपको थाई कल्चर की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ये वाट फू है। ओके, दोनों तो बगल बगल में ही। सो ग्रैंड पैलेस के जस्ट ऑपोजिट में ही वाट फू है, जो हमारा सेकंड वो होगा डेस्टिनेशन जहाँ भी हम जाएंगे। बट सबसे पहले यहाँ जाएंगे क्योंकि ये 3 बजे तक ही खुला रहता है, और 3 बजे के बाद ये बंद हो जाएगा। सो ग्रैंड पैलेस के लिए मैंने ये पहना हुआ है बिकॉज हाफ स्लीव्स अलाउड नहीं था, जो कि मैंने जंप सूट में जो मैंने आपको दिखाया कि ये इस तरह से मेरा स्लीव्स था हॉल्टर नेक। बट यहाँ पे आके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ड्रेसिंग कोड को लेके, दैट बॉयज़ के लिए शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड, गर्ल्स के लिए स्लीव्स होने चाहिए, एटलीस्ट हाफ स्लीव्स होने चाहिए। सो मैंने ये ऊपर से शक डाला हुआ है, और अभी हम जा रहे हैं, पहले टिकट परचेज करेंगे एंड देन फिर ये मेरे पीछे यहाँ पे ये रॉयल पैलेस है, जो कि हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तब यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्प्ले लगे हुए थे किंग एंड क्वीन के, एंड देन उनके कपल फोटोज़ भी थे जो हमने अभी पहले देखा। भाग भाग के जाना पड़ रहा है बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। भागो, इट्स अ ह्यूज पैलेस एक्चुअली, देखते कितना एक्सप्लोर कर पाएंगे। सबसे पहले तो टिकट्स। बैंकॉक के बीचों बीच स्थित है ग्रैंड पैलेस, यहाँ के राजा का ऑफिशियल रेसिडेंस। अम्ब्रेला इज अ मस्ट ओवर हियर बिकॉज इतनी धूप हो जाती है एंड देन अचानक से बहुत बारिश होने लगती है। सो दोनों के लिए आपको ये कैरी करना ही होगा। ओह गॉड, ये ऑलमोस्ट 220,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8:30 से शाम के 4 बजे तक खुला रहता है। यह मंदिर आ चुके हैं, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अभी फिलहाल यहाँ पे थोड़ा और चलना होगा क्योंकि ग्रैंड पैलेस का एंट्री इधर से दिखाई दे रहा है, तो लेट्स वॉक। सो रुपेश यहाँ से टिकट ले रहा है। सो ये टिकट हमें मिली है मेरे और रुपेश के लिए। ये जो टैक्सी वाले भैया है ना, इनको शायद एंट्री अलाउड है, ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, क्योंकि इनको टिकट तो नहीं ली हम लोगों ने। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्री फॉर थाई। ओके ओके, ये हम लोगों के लिए, ऐसा भेदभाव क्यों। थैंक यू, थैंक यू।
कैसे आना है? और जैसे ही हम गेट के अंदर घुसते हैं, हमें दिखता है शाही अलंकृत और विशाल संरचना, जिसे यहाँ के राजा और चक्री डायनेस्टी के फाउंडर किंग रामा ने सन 1782 में बनाया था। यहाँ हर गेट में आपको देखने मिलेंगे डेमन गार्डियंस, जो इस जगह में बुरी शक्तियों को प्रवेश करने से रोकते हैं। मेन टेंपल वो रहा सामने, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, वो मेन टेंपल है। सो सबसे पहले ये जो भव्य स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये फ्रा मोंडोप है। ये बिल्डिंग छोटे छोटे हरे और गोल्ड ग्लास के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। इसकी फ्लोर सिल्वर कलर की है और ये इस पैलेस की लाइब्रेरी है। इसके अंदर वैसे तो जाना अलाउड नहीं है, बट कहते हैं इसके अंदर बुद्धा के स्क्रिप्चर्स रखे हुए हैं, जो कि पाम लीव्स पे लिखे हुए हैं। ये जो बड़ी सी बेल शेप्ड स्तूपा जो आप देख रहे हो, ये है फ्रासी रत्ना छेड़ी। इसके अंदर बुद्धा के अंतिम कर्ण यानी कि हेयर सेक्शन रखे हुए हैं। ये स्तूपा पूरी तरह से गोल्ड कलर टाइल्स से कवर्ड है। इस स्तूपा के चार एंट्री पॉइंट्स हैं। यहाँ के राजा राम किंग बैंकॉक में एक खेमेर टेंपल बनाना चाहते थे। खेमेर टेंपल, ये एक टिपिकल टेंपल होता है जो चारों तरफ से एक कंसेंट्रिक वॉल से घिरा होता है और बीच में एक टेंपल बना होता है। दुनिया में 4000 से ज़्यादा खेमेर टेंपल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे फेमस खेमेर टेंपल है वो है अंकोरवा। इसका साइज वेटिकन सिटी से 4 गुना ज़्यादा है। इतने बड़े मंदिर को बैंकॉक में बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए किंग रामा द फोर्थ ने कहा कि उनको अंकोर वाट का छोटा मॉडल, जो कि हूबहू वैसा ही हो, चाहिए और उसे यहाँ रखा गया। काफ़ी गर्मी है एंड पानी हम लोग लेके नहीं आए हैं और बहुत तेज़ प्यास लगी हुई है। आई रियली होप यहाँ पे कहीं अंदर पानी मिल जाए, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। पीपल आर एक्चुअली कैरिंग वाटर बॉटल्स, बट स्टिल कोई बात नहीं, चेक करते हैं हम। लुक हाउ प्रिटी दिस इज़, ये पूरा काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट काफ़ी कलरफुल सा है। डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया हुआ है, डिफरेंट मेटल्स का यूज़ किया है। इस एरिया का नाम रामाकेन गैलरी है। पूरे कॉरिडोर के एक साइड के वॉल पर रामायण के थाई वर्जन को बनाया गया है। इस पूरे स्टोरी को 5 एपिसोड में बनाया गया है और ये पूरे टेंपल को सराउंड करता है। कहा जाता है इसके बनाने के पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो अपने कंट्री को अयोध्या जैसा बनाना था। And just look how pretty it is. And सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि गंदगी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है मुझे। इनफैक्ट इतना क्लीन करके रखा है, हर चीज़ डेकोर करके रखा है, हर एक, इनफैक्ट जो आप ये देख रहे हो ना टेम्पल का जो एरिया है उसका एक अलग मतलब है और एक अलग से ही यहाँ पे चीज़ें पता चल रही हैं। प्रसाद फारा थेप बाइडोन, ये ग्रैंड पैलेस का सबसे पहला बिल्डिंग था और यहाँ के एमरल बुद्धा के पहले घर के रूप में इसे बनाया गया था। लेकिन एमरल बुद्धा को कभी इसमें रखा नहीं गया और बाद में किंग ने इसका नाम बदलकर रॉयल पैंथियन रख दिया। आज इसमें चक्री डायनेस्टी के राजाओं के स्टैचूज रखे हुए हैं। ये डेमन गार्डियन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मेरे पीछे आप स्टैचू देख रहे हो। दिस इज़ जो मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी अलग अलग जगहों पे ये गार्डियन है, सो दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देम। वो इस तरह का ऐसे स्टैचू बनाया हुआ है। अगेन यहाँ पे भी इस टेंपल के अंदर जब हम अंदर जा रहे हैं तो एंट्री पॉइंट पे ही यहाँ पे काफ़ी सारे वॉल पे, इनफैक्ट अगर आप देखो इस तरह से तो स्ट्रक्चर बने हुए हैं एंड हर एक जगह पे कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इन थाई। आई रियली होप कि इन्होंने कुछ इंग्लिश में भी लिखा होता जो हम जैसे लोग समझ पाते, बट
ऊपर की तरफ ये इस तरह से डिज़ाइन है, ये पूरा वुड वर्क का है, एंड उसके अलावा जो मेटल का जो आप देख रहे हो गोल्ड वगैरह का, वो उस तरह का काम किया हुआ है. रियली वेरी प्रिटी, वेरी इंट्रिकेट वर्क. एंड डेफिनेटली अगर आप जब भी आते हो थाईलैंड, यहाँ पे ज़रूर आके चेकआउट करना, बिकॉज हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होते हैं वो ज़रूर विज़िट करना चाहिए जब भी आप यहाँ इधर की तरफ किसी भी इनफैक्ट कंट्री में आप विज़िट कर रहे हो तो. और घूमते घूमते हम आ गए ग्रैंड पैलेस के बीचों बीच एमरल्ड बुद्धा के मेन टेंपल पे. इसको वाट फ्रा केव भी बोलते हैं. इसके अंदर ग्रीन जेट से बने मेडिटेशन करते हुए बुद्धा की मूर्ति है, जो गोल्ड और डायमंड से बने कपड़े पहने हुए हैं. इस तरह का फूल वूल है तो आप अगरबत्ती फूल वगैरह ऐसे चढ़ा सकते हो. ये बुद्धा का स्टैचू एंड यहाँ पे काफ़ी सारे स्टिक्स वगैरह हैं, जो कि यहाँ पे आप ऐसे अगर आप प्रेयर वगैरह करने आते हो तो लोटस के यहाँ पे स्टिक्स हैं. अंदर चलते हैं हम टेंपल के. ये मंदिर का हमारा एंट्रेंस है. यहाँ पे चप्पल जूते जो भी हैं हम निकाल देंगे. वी आर गोइंग इनसाइड द टेंपल नाउ. सो दिस इज हाउ द टेंपल लुक्स लाइक अंदर से. एंड अंदर चलते हैं हम. लैंग्वेज का बहुत इशू है एक्चुअली यहाँ पे. ग्रुप फोटो नॉट अलाउड. सिंगल फोटो इज अलाउड. ओके, ग्रुप फोटो इज नॉट अलाउड. नो फोटो. ओके, अंदर फोटोज नहीं ले सकते हैं, वीडियोस नहीं ले सकते हैं. सो सिर्फ बाहर की तरफ से ही हम लोग कैप्चर कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पे ऐसे तीन तरफ से एंट्री पॉइंट है एंड आप जहाँ से भी चाहो एंटर कर सकते हो. मेन एरिया जो है वो मंदिर का यही वाला है. सो अंदर जा रही हूँ मैं, बट यहाँ पे अलाउड नहीं है फ़ोटो एंड वीडियो लेना. टेंपल के अंदर कुछ देर बैठने के बाद ये समझ में आया कि ये टेंपल इतना पॉपुलर क्यों है एंड लोग यहाँ क्यों आते हैं. यहाँ इतनी शांति थी, इतना सुकून था कि मैं क्या बताऊँ. It was such a surreal experience. ऐसा कहा जाता है कि एमरल्ड बुद्धा जिस कंट्री में भी रहते हैं वहाँ पे फॉर्च्यून एंड प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं. एमरल्ड बुद्धा सबसे पहले इंडिया में थे, वहाँ से फिर उनको श्रीलंका लाया गया, देन कम्बोडिया. कम्बोडिया के अंकुर वाट में थे वो, एंड फिर वहाँ से थाईलैंड लेके आया गया. ये बिल्डिंग पहले यहाँ के राजा का निवास स्थान होता था एंड ये काफ़ी बड़ा और सुंदर महल है. ये इकलौती बिल्डिंग है जिसमें नीचे यूरोपियन आर्किटेक्चर है एंड ऊपर की तरफ थाई आर्किटेक्चर है. ये हॉल थाई ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन नमूना है. इस हॉल के अंदर बुद्धा के अस्थियों को रखा गया है और यहाँ ग्रैंड पैलेस भी ख़त्म हो जाता है. अब हम चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे जो कि है वाटवो. अभी हम वाटफू आए हैं. दिस इज एक्चुअली द इन पॉइंट. यहाँ से एंट्री पॉइंट है और टिकट हमारे ड्राइवर ने बोला था कि 150 बाट है, बट यहाँ पे टिकट का रेट यहाँ 200 बाट दिखा रहा है पर पर्सन. अगेन बहुत गर्मी है तो हर जगह आपको ऐसे लोग छाता लेके एंड पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पानी मिल भी रहा है काफ़ी जगह पे. दो छोटे छोटे बॉटल्स जो थे वो 40 बाट के थे एंड यहाँ पे ऐसे बॉटल्स लगे हुए हैं वाटर बॉटल के लिए. अच्छा, ओके, थैंक यू. सो ये टिकट के साथ दो वाटर बॉटल फ्री मिल रहा है यहाँ पे. वाटफू, जिसे टेंपल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, ये थाईलैंड के 6 सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण राजा रामा वन ने कराया था. इस टेंपल को थाईलैंड के शिक्षा का ओरिजिन और केंद्र भी माना जाता है. फेमस थाई मसाज की प्रैक्टिस भी सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुई थी. इस मंदिर के अंदर 1000 से भी ज्यादा बुद्धा की मूर्ति हैं और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिक्लाइनिंग और स्लीपिंग बुद्धा, जो कि 150 फीट लंबा है, यहीं पर है. यहाँ पे ये गार्डियन डायमंड्स वगैरह के स्टैचू है जो कि हमने अभी रॉयल पैलेस में जो देखा था, सिमिलर टू दैट. और ये स्ट्रक्चर वगैरह भी आप इस टेंपल का अगर देखो ना तो इट्स समवट सिमिलर टू रॉयल ग्रैंड.
ओके सो यहाँ इधर की तरफ स्लीपिंग बुद्धा का बोला है उन लोगों ने. मैंने एक्चुअली अपने अभी यहाँ जो गार्ड थे ना उनसे मैंने पूछा कि स्लीपिंग बुद्धा है किधर, और उन्होंने बोला कि यहाँ से जाना है. सो अभी हम जा रहे हैं स्टार्ट स्लीपिंग बुद्धा की तरफ. स्लीपिंग बुद्धा का एंट्रेंस पॉइंट इधर है. सो आई गेस दिस वन एंट्रेंस एरिया. ओके सो दिस इज द एंट्रेंस. यहाँ पे शूज निकालना होगा. वॉट फू में आने का हमारा मकसद था रिक्लाइनिंग बुद्धा को देखना. यहाँ आपको अपने स्लीपर्स और शूज़ खोल के अंदर जाने होंगे और गेट पे आपको एक बैग सा दिया जाएगा जिसमें आपको अपने फुटवेयर को लेकर उसके अंदर जाना है. और अंदर आते साथ ही आपको दर्शन होगा 46 मीटर लंबे विशाल सोते हुए बुद्धा का. ओह माय गॉड, दिस इज सो बिग. जस्ट लुक एट द साइज. ओह माय गॉड, दिस इज सो ह्यूज. कितना सुंदर है. ओह माय गॉड, यहाँ से देखो. कहा जाता है बुद्धा का ये स्वरूप बुद्धा के निर्वाणा प्राप्त होने और उनके पूर्ण जन्म को खत्म होने को दर्शाता है. और बुद्धा यहाँ जिस मुद्रा में सोए हुए हैं इसे कहते हैं सिहासियाज, जिसका मतलब होता है सोता हुआ लायन. इस मूर्ति की ऊंचाई 15 मीटर है. यहाँ पे दीवार पे अगेन यहाँ काफ़ी कुछ अपने हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है थ्रू पिक्चर्स. एंड दिस इज फ्रिकिंग प्रिटी ब्रो. बुद्धा के पैरों का तलवा भी 3 मीटर ऊंचा और 4.5 मीटर लंबा है और ये 108 भागों में डिवाइडेड है जो कि उनके चरित्र को दर्शाता है. और जस्ट तलवों के बीचों बीच एक चक्र है जो एनर्जी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. इस पूरे स्टैचू का कोर ब्रिक से बना हुआ है और उस पे गोल्ड की प्लेटिंग की गई है. इसके अलावा इस बड़े से कॉरिडोर में 108 ब्रॉन्ज की कटोरियां हैं जिसमें टूरिस्ट पैसे डाल सकते हैं. इस छोटे से पॉन्ड का नाम क्रोकोडाइल पॉन्ड है और इसमें क्रोकोडाइल तो नहीं बट क्या है मैं दिखाती हूँ पॉन्ड के अंदर से. ये जो आप देख रहे हैं इसे छेदी कहते हैं जो हमने ग्रैंड पैलेस में भी देखा था. और ये ऐसे कई सारे छेदी हैं जैसे कि ये जो छोटे छेदी आप देख रहे हो इनकी संख्या 91 है. वॉट फू के बाद हम निकल पड़े अपने तीसरे डेस्टिनेशन पे जो कि है वाटरून. यहाँ एंट्री के लिए भी टिकट है. टिकट लेने गए हैं रुपेश. और कितना? 100 baht का ये टिकट मिला है. सो ये वाटर रून का ये वाटर बॉटल भी है. जैसे लास्ट हमारा वाट फू में भी जब भी हम टिकट परचेज कर रहे थे ना तो उसके साथ एक वाटर बॉटल मिल रहा था. तो वाटर रून में भी यहाँ पे ये वाटर बॉटल दे रहे हैं ये, विच इज़ गुड बिकॉज बहुत 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 गर्मी है.
वाटर रूम का दृश्य शाम के डूबते हुए सूरज के साथ और भी खूबसूरत हो जाता है। Just look at the view, guys. Oh my God, it's looking stunning. मतलब मंदिर भी एकदम कमाल का है। Amazing view. यहाँ से एंट्री है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर माउंट मेरू को रिप्रेजेंट करता है। माउंट मेरू हिंदू, बुद्ध और जैनिज्म धर्म में कॉस्मोलॉजी मीन्स ब्रह्मांड विज्ञान को दर्शाता है। चलो फिर अब एंटर करते हैं इस ब्यूटीफुल टेंपल पे। हमारे धर्म में जितने भी मंदिर का निर्माण होता है वो माउंट मेरू के अकॉर्डिंग ही होता है। वाटरून का मेन फीचर इसका सेंट्रल प्रनांग है जो कि कलरफुल चीनी मिट्टी के टुकड़ों से बना हुआ है। इसका हाइट लगभग 86 मीटर है। सेंट्रल प्रनाग के चारों कॉर्नर में चार छोटे प्रनाग हैं। सारे प्रनाग को सीसेल्स एंड चीनी मिट्टी से सजाया गया है। सेंट्रल प्रनाग के ऊपर 7 त्रिशूल बना हुआ है एंड यहाँ नीचे बहुत से एनिमल्स एंड सोल्जर्स बने हुए हैं। बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी के अनुसार सेंट्रल प्रनाग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे निचले पार्ट को त्राईधाम कहते हैं जो हमारे अस्तित्व को इंडिकेट करता है। मिडिल वाला पार्ट जो तवा तिमसा कहते हैं वो हमारे डिजायर के पूरे होने को दर्शाता है। और सबसे टॉप का जो पार्ट है उसे देव फोम कहते हैं जो कि हेवन को दर्शाता है। नदी के किनारे 6 पवेलियंस बने हुए हैं। So this was all about this video. और भी बहुत कुछ है जो कि मैं अपने आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगी इस पूरे सीरीज में, बट उसके पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को एंड जो बगल में घंटा है उसको जरूर बजा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।